1. Who is credited with coining the term aromatherapy? Aromatherapy शब्द को गढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? A. रेने मॉरिस गट्टेफोसे, B. हिप्पोक्रेट्स, C. कार्ल जंग, D. जीन वैलनेट। Which essential oil is commonly used for relaxation and stress relief? कौन सा आवश्यक तेल आमतौर पर आराम और तनाव से राहत के लिए उपयोग किया जाता है? A. पुदीना, B. लैवेंडर, C. नीलगिरी, D. चाय का पेड़। How long has aromatherapy been used as a form of treatment? Aromatherapy का उपयोग उपचार के रूप में कब से किया जा रहा है? A. लगभग 100 वर्ष, B. 6000 वर्ष से अधिक, C. 200 वर्ष, D. 50 वर्ष। Aromatherapy come into existence? Aromatherapy कैसे अस्तित्व में आई? A. इसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। B. इसकी उत्पत्ति पौधों के अर्क का उपयोग करने वाली प्राचीन मिस्र और चीनी प्रथाओं से हुई है। C. यह आधुनिक फार्मास्यूटिकल अनुसंधान का परिणाम था। D. इसका विकास इत्र उद्योग द्वारा किया गया था। Five. What is the ideal storage condition for essential oils? आवश्यक तेलों के लिए आदर्श भंडारण स्थिति क्या है? A. गर्म उज्जवल स्थानों में, B. ठंडी अंधेरी और शुष्क जगहों पर, C. कमरे के तापमान पर प्रकाश के संपर्क में, D. आर्द्र वातावरण में। What type of container is recommended for storing essential oils? आवश्यक तेलों के भंडारण के लिए किस प्रकार के कंटेनर की सिफारिश की जाती है? A. प्लास्टिक की बोतलें साफ करें, B. कांच की बोतलें अधिमानतः एम्बर या कोबाल्ट नीला, C. धातु के कंटेनर, D. सिरेमिक जार। What is the typical dilution percentage for essential oils and carrier oils for adult use? वयस्कों के उपयोग के लिए वाहक तेलों में आवश्यक तेलों का सामान्य पतला प्रतिशत क्या है? A. 1-2%, B. 5-10%, C. 20%, D. 50%। How long should an aromatherapy session generally last?
अरोमाथेरेपी सत्र आम तौर पर कितने समय तक चलना चाहिए? ए 5 मिनट, बी 15 से 60 मिनट, सी 2 घंटे, डी सारा दिन। Nine. Which essential oil is often used to help with hair regrowth? बालों को दोबारा उगाने में मदद के लिए अक्सर किस आवश्यक तेल का उपयोग किया जाता है? A. एक नींबू, B. रोजमेरी, C. नारंगी, D. देवदार की लकड़ी। What is the role of a carrier oil in aromatherapy? Aromatherapy में वाहक तेल की क्या भूमिका है? A. खुशबू जोड़ने के लिए, B. आवश्यक तेलों को पतला करने और त्वचा पर लगाने की सुविधा के लिए, C. तेल को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, D. आवश्यक तेलों का रंग बदलने के लिए।